जैसा कि भाजपा के नेता घोषणा कर रहे थे कि सरकार वे बनाने जा रहे हैं, और आज जो दृश्य सामने आ रहा है उससे लग भी रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। हमारे स्टूडियो में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल जी ने ये घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें भाजपा जीतेगी और इंदौर में सभी 9 सीटों पर भाजपा विजयी होगी। हालांकि अभी परिणाम पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह की बढ़त है बीजेपी की, उससे ऐसा जरूर लगता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है। आंकड़े क्या होंगे ये बात अलग होगी। राजेश जी, आपने हमारे स्टूडियो में ये बात कही थी और कहा था कि मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटों पर भाजपा विजयी होगी, क्या आपको लग रहा है? हालांकि अभी रुझान है। मैं अरशद भाई, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने प्रदेश को कांग्रेस के कुशासन से बचा लिया। सबसे बड़ी बात यह है कमलनाथ के, जो हमने मैंने आपके स्टूडियो पर उस दिन था कि इनका वचन पत्र धोखा पत्र था, 1.5 साल की सरकार में उगत चुके हैं। और देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ, मैंने उस दिन भी आपके यहाँ कहा था 150 प्लस बीजेपी की आएंगी प्रदेश में, और 90 कहा था इंदौर का। एक सीट का भी ऊपर नीचे है, पर फिर भी 80 भी अगर आती है, 81 भी आती है, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं देखिए, इसके मेरे 3 आधार थे, वो मैं आपके सामने आप पुनः दोहरा देता हूँ। मोदी मैजिक, हिंदुत्व, दिशा, मध्य प्रदेश का विकास, जो शिवराज जी ने विकास किया प्रदेश में। मैंने उस समय आपके कर्ज की बात कही थी कांग्रेसी प्रवक्ता ने, तो मैंने उसको कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लेकर कर लिया है। कांग्रेस के सरकार में बसपा बंटाधारी शासन था, अगर आज हमने बिजली, सड़क, पानी तीनों में उल्लेखनीय उपलब्धि की है। और देखिए, कर्ज अगर आप विकास के लिए लेते हैं तो वो बुरा नहीं है। अगर आप आपको ऐसा नहीं लगा इस पूरे चुनाव के अंदर के कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़े नेताओं को उतार कर ये दर्शा दिया था कि हमें वापस से सत्ता पे काबिज होना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और कार्यकर्ताओं को भी ये ट्रेन किया गया है कि किसी भी सूरत में हमें सरकार वापस लाना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, मैंने उस दिन भी आपको कहा था आपके स्टूडियो में कि देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को अगर झाड़ू लगाने के लिए बोला जाए कार्यालय में तो वो भी लगाता है। हमने केंद्रीय मंत्री को विधानसभा लड़ाया है। देखिए, गेम चेंजर सबसे बड़ी बात, जो 60 विधायक विधानसभा जो हमारे थे, वहाँ पर हमने जैसे बड़े बड़े लोगों उतारा, और अगर 60 में से 25 भी छीन लेते हैं तो इट्स अ गेम चेंजर, इट्स एन इम्पोर्टेंट। अभी देखने की बात है, इंदौर की बात करें, आप इंदौर से काफी ताल्लुक रखते हैं, सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, 9 विधानसभा सीटों पर आपने दौरा किया था, आपने जाना था। अभी स्थिति यही है कि सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। जैसे जैसे समय गुजरेगा, हो सकता है परिणाम में कुछ बदलाव आए, आपको कोई संशय है कि किसी एक सीट पर कोई परिणाम बदल सकता है? देखिए, मैं आपको दो बात की बात बोलता हूँ। जैसे विधानसभा 5 आजाद नगर लास्ट बटवन राउंड में आता है, और ऐसे ही राव जो है बांक में आता है, वो भी लास्ट राउंड में आता है। पर मोटे तौर पर अगर हमारी इतनी कंफर्टेबल लीड दोनों विधानसभा में हो गई है, तो मेरे को उन दोनों विधानसभा में चुनौती नहीं दिखती है। देपालपुर में जरूर ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ चौधरी ने हमारे वोट काटे हैं, थोड़े वोट काटे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ मनोज पटेल, मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ हर बार उल्टा होता है, एक बार कलोता उस समाज को, उस पार्टी को वोट देते हैं, दूसरी बार इधर देते हैं, और वही परिणाम देखने जा रहा है। एक नंबर तो क्लियर दिख रही है, केला की मतलब चुनाव जीत रहे हैं, 3 नंबर को लेकर भी एक संशय की स्थिति बनी हुई थी। यहाँ पर पहले दिन से पिंटू जोशी को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था कांग्रेस का। मैं एक नंबर के बारे में एक बात कहता हूँ कि मैं सफलता तब मानूंगा जब आज तक के जितने वोट चुनाव हुए उसमें जो सर्वाधिक लीड हमें मिली है, जो कि 80-90 हज़ार वोट से जीते हैं, जब कमलेश खंडेलवाल ने बगावत की थी। अगर हम उस आंकड़े को पार कर पाते हैं तो निश्चित हमारे लिए वो अनुकरण हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जहाँ तक 3 नंबर के आपने कहा, मैंने उस दिन भी आपके यहाँ कहा था कि अगर पार्टी, देखिए, आदमी मुख्यमंत्री और सरकार सीधे नहीं चुनता, जिसको विधायक चुन के बेचता है वो मंत्री और मुख्यमंत्री और सरकार बनाता है। तो इसलिए अगर विधानसभा 3 में भी अगर उसको सरकार भाजपा की चाहिए और मुख्यमंत्री भाजपा का चाहिए, तो उसके बाद उसको 3 नंबर वाले व्यक्ति को भी भाजपा के लिए वोट डालना, और वही परिणाम दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी 9 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं, हालांकि अभी परिणाम पूरी तरह से घोषित नहीं हुए हैं। 1 नंबर को लेकर कहा कि ये ऐतिहासिक जीत होगी, 3 नंबर के बाद को कहते हैं, उनका ऐसा कहना है कि यदि लग रहा है मतदाता को कि भाजपा की सरकार बन रही है तो फिर वो विधायक भी भाजपा का ही चुनेगा। हालांकि 3 नंबर को लेकर अभी भी संशय है, जयपालपुर को लेकर अभी भी संशय है, विधानसभा 5 को लेकर अभी भी संशय है, क्योंकि ये 3 सीटें अभी भी ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस कुछ कर सकती है, क्योंकि उसकी जो क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस को उम्मीद रहती है कि वहां से वो जीत सकती है, ऐसे क्षेत्रों की अभी मशीनें खुलना बाकी हैं। समय बताएगा और हम भी आपको बताएंगे कि आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुवशी, इंदौर।